20 साल से तीन बेटे और उनकी पत्नियां माँ की सेवा कर रहे हैं, सिर्फ एक संदूक के लिए। एक दिन जब माँ ने संदूक खोला तो सबकी आंखें फटी रह गईं। सावित्री देवी 75 साल की हो गई हैं। सावित्री देवी के तीन पुत्र हैं। सावित्री जी के पति का देहांत तब हो गया जब वो 55 वर्ष की थी। सावित्री जी एक छोटे से पुराने घर में रहती हैं, जिसको उनके पति ने ही बनवाया था। तीनों बेटे उनके साथ तो नहीं रहते, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं रहता जब वो उनसे मिलने या उनकी सेवा करने नहीं आते हों। तीनों की पत्नियां भी दिन में आती हैं, यानी यूं ही समझ लीजिए कि उनका घर कभी खाली नहीं रहता। कोई ना कोई वहां उनकी सेवा चाकरी में लगा ही रहता है। तीन बेटों ने अलग अलग अपना घर बना रखा है। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है और परेशानियां भी हैं। आदमी चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, उनकी परेशानी कम नहीं होती। अमीर से अमीर इंसान को भी यह परेशानी होती है कि वो अमीर कैसे बना रहे। तीनों बेटों ने कई बार जिद भी की, माँ उनके साथ जाकर वहां रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो यहीं रहेंगी उसी घर में, उन्हें और कहीं चैन नहीं आता। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये तीनों बेटे बड़े सुपुत्र हैं, इसलिए यह अपनी माँ की सेवा में लगे रहते हैं। तीनों बेटों को उनसे ज्यादा प्यार या लगाव की असली वजह कुछ और है। वजह है उनकी माँ का एक बड़ा संदूक, एक बड़ा लकड़ी का संदूक जिस पर ताला लगा है। यह संदूक इनके जीवन में बहुत अहम भूमिका रखता है। इस संदूक के अंदर क्या है और कितना है, ना तो इन तीनों बेटों को पता है, ना ही इनकी पत्नियों को। बस जब से पिताजी गए हैं, माताजी को इस संदूक की रक्षा करते ही देखा है। इसलिए इन सभी ने अपने अपने अनुमान लगा रखे हैं, ना ही अनुमान बल्कि इन्होंने तो एक आस लगा रखी है कि इस संदूक के खुलते ही ये क्या क्या करने वाले हैं। सावित्री जी उस संदूक को छोड़कर कभी नहीं जाती, कभी जाती भी तो अपने कमरे में बड़ा ताला लगा कर ही बाहर निकलती, वो सिर्फ थोड़ी देर में ही वापस आ जाती। तीनों बेटों और उनकी पत्नियों की उस संदूक पर नजर ना जाने कब से है। सबने अपनी तरफ से अपने अपने कोशिश भी करके देख ली माँ को अपने साथ अपने घर ले जाने की, ताकि माँ के साथ उनका संदूक भी वहां से हिल सके। और फिर जाहिर सी बात है, जिसके घर में माँ रहेगी उसमें उसका संदूक। लेकिन सभी एक दूसरे की काट करते हैं। इसकी कृपा है कि माँ के आगे पीछे माँ जी करते ना सिर्फ बेटे बल्कि बहुएं भी चक्कर लगाती रहती हैं। लेकिन सावित्री जी भी भली भांति अपने बेटों को समझती हैं। वो जानती हैं कि उनकी इतनी सेवा क्यों हो रही है। उनकी सेवा उनके संदूक के कारण ही हो रही है। उन्हें पता है जिस दिन यह संदूक इनके हाथ आया, उस दिन उनका मूल्य कुछ भी ना रह जाएगा। तीनों भाइयों और उनकी पत्नियों में यह बातें हैं कि माँ के पास ना सिर्फ उनका सोना है बल्कि उनकी सास का सोना भी इसी संदूक में है। माँ इसलिए इस संदूक की इतनी हिफाजत करती है। सभी अपनी अपनी कहानियां बनाकर बैठे हैं। किसी का दावा है कि उन्होंने संदूक को एक बार उठाकर देखा है, वो बहुत भारी है। माँ के कमरे में इन बहुओं ने कई बार सफाई के बहाने संदूक के पास जाने की कोशिश की, लेकिन माँ जी ने उन्हें बार बार टोका और कहा कि इस संदूक से अभी दूर रहो, समय आने पर इस संदूक में क्या है तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। आखिर माँ की बात कौन टालता, और वो भी अभी तो कोई भी नहीं। बस उस समय के इंतजार में यह सब माँ का अच्छा बेटा और अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही हैं।
रात में कोई ना कोई माँ के घर में जरूर रुकता, लेकिन माँ जी उसे अपने कमरे में सोने नहीं देती थी। इस तरह सावित्री जी ने इस संदूक के सहारे 20 साल निकाल दिए। एक दिन माँ जी की तबीयत ठीक नहीं थी। अक्सर जब तबीयत बिगड़ जाया करती थी तब उनके बेटे उन्हें अस्पताल ले जाने का कहते थे, लेकिन वो उसके लिए भी राजी नहीं होती थी। वो कहती थी कि डॉक्टर को यहीं बुलवा लो। उनके बेटे ऐसा ही करते थे। इस बार जब उनकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अस्पताल में एडमिट करना ही होगा, वरना उनकी हालत खराब हो सकती है और फिर उम्र भी बढ़ती जा रही है, आखिर कब तक यह शरीर साथ देगा। डॉक्टर के यह जवाब देने पर तीनों भाइयों को दुख से ज्यादा उत्साह दिखाई दिया। उनकी पत्नियों की आंखों की चमक साफ दिखाई दे रही थी। सावित्री ने उन्हें कमरे के बाहर फुसफुस करते सुना। तीनों इस बात पर चर्चा कर रही थी कि माँ के जाने के बाद संदूक में जो भी है वो आपस में बांटा जाएगा, सबको बराबर बराबर मिलेगा। सावित्री जी ने जब यह सुना तो उनको अंदाजा लग गया कि अब समय हो गया है इन सबको यह बताने का कि आखिर इस संदूक में क्या है। उन्होंने आवाज लगाकर अपने तीनों बेटों और बहू को अंदर बुलाया। सबने आते ही कहा, माँ अस्पताल चलते हैं, आप वहां जाकर ही ठीक होंगी। माँ ने कहा कि पहले वो जान लो जिसके लिए तुम सब इतने सालों से चक्कर लगा रहे हो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। इस संदूक में तुम तीनों के लिए मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें आज देना चाहती हूँ। माँ ने अपने तकिए के नीचे से एक चाबी निकाली और धीरे से खड़ी होकर संदूक को खोलने के लिए नीचे झुकी। वहां खड़े सभी बेटे और बहुओं की धड़कन तेज थी। आज उनके बरसों का इंतजार खत्म हो रहा था। माँ ने संदूक खोला। संदूक में 3 अलग अलग कपड़ों में लपेट कर कुछ रखा हुआ था। सबकी आंखें बड़ी आश्चर्य के साथ उस संदूक की ओर ही थी। माँ ने कपड़े में लपेटा हुआ सामान लाकर उठाने को कहा। तीनों बेटों ने एक एक सामान उठा लिया और उसे खोलकर देखा। कपड़ा खुलते ही कमरे में मौजूद हर एक इंसान का मुंह फटा का फटा रह गया। उन कपड़ों में से निकला एक एक भारी पत्थर। तीनों के हाथों में था एक एक पत्थर। यह क्या, माँ इतने दिनों से तुम इन पत्थरों को संभाल कर रखी हुई थी और हमें बेवकूफ बना रही थी। हमने सोचा तुमने गहने संभाल कर रखे हैं। माँ ने कहा, मैंने तुम्हें कब बेवकूफ बनाया, और गहने तो थे, बहुत थे, लेकिन कब किसके लिए कितने बेचे इसका मैंने हिसाब नहीं रखा। जब तुम्हारे पिता आखिरी समय में थे तब हमारे पास कुछ नहीं था। तुम तीनों ने शादी के बाद ऐसा मुंह फेरा, क्या तुम्हें पता है कि किस अभाव में उनका अंतिम समय गुजरा। पर उस समय भी उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने उस समय भी मेरा सोचा। उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद उनके बेटे मेरे साथ भी यही करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने मेरे लिए इस संदूक का उपाय खोजा। देखो कितना सही उपाय दिया था। तुम लोगों को बेवकूफ बनाना या तुम लोगों से सेवा करवाना ना उनका मकसद था ना मेरा। वो तो चाहते थे कि उनके जाने के बाद मैं अकेली ना रहूं, बेटे मेरे साथ हों, मेरी आंखों के सामने, बस यही इच्छा थी। अब मैं शायद ज्यादा ना रहूं, इसलिए मैंने तुम्हें सच बता दिया। सभी बेटे बहू अब कमरे से बड़बड़ाते हुए और गुस्से से निकले। करीब 1 घंटे तक माँ के कमरे के बाहर ही सब एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। बहस हो रही थी कि अब माँ को अस्पताल ले जाना है
कि नहीं, और ले जाएगा तो खर्चा कौन उठाएगा। माँ जी अपने बिस्तर पर लेटी हुई सब सुन रही है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं। जाते जाते इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।